आज मैं आप सबके लेकर के आया हूँ फोर्ड की एकदम नई पेशकश, जिसका नाम है फोर्ड फिगो एस। वैसे तो फोर्ड फिगो 2012-13 से मार्केट में उपलब्ध है और फोर्ड एक जानी मानी कंपनी है, कार निर्माता है। दुनिया की सबसे पहली कार निर्माता कंपनी में फोर्ड का ही नाम आता है, जिसने सबसे पहले कार बनाया था, जिसके मालिक का नाम हेनरी फोर्ड था। आज लेकिन फोर्ड की कुछ गाड़ियाँ जो भारत में उपलब्ध हैं, फोर्ड की पहचान मिली, एक जो पहचान फोर्ड की भारत में होती है वो या तो एंडेवर से होती है या फिर फोर्ड की एक प्रीमियम सेडान जिसका नाम था फिएस्टा। आज तो फिएस्टा वैसे मार्केट में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपकी फोर्ड की कुछ गाड़ियां हैं जो आज भी मार्केट में बहुत ज़्यादा उपलब्ध हैं, बहुत ज़्यादा फेमस गाड़ियाँ हैं, जिनका नाम इसमें से एक फिगो है, इको स्पोर्ट और एंडेवर। वैसे तो अगर मैं बात करता हूँ फोर्ड फिगो की इस नए स्पेशल एडिशन की, तो इसका नाम फोर्ड फिगो स्पोर्ट के नाम पर रखा गया है। और ये स्पोर्ट नाम की जो देख सकते हैं, कुछ चेंजिंग की गई है दूसरों गाड़ियों की अपेक्षा, दूसरे फोर्ड के मॉडलों की अपेक्षा। ये गाड़ी फोर्ड की टाइटेनियम एडिशन, टाइटेनियम मॉडल के ऊपर बेस्ड है। मीन्स ये आपका टाइटेनियम टॉप मॉडल जो आता है उसी के ऊपर पूरी बेस्ड गाड़ी है, पर इसमें ऑर्डिनरी फिगो से कुछ चेंजिंग्स किए गए हैं। जैसे कि इसके सबसे पहले जो चेंजिंग होगी वो होगी इसकी अलॉय व्हील। ये अलॉय व्हील 15 इंच की है, नॉर्मल फिगो में 14 इंच की अलॉय व्हील आती है, और जिसमें टायर थोड़ी सी पतली होती है, लेकिन इसमें 195/55 और R15 मीन्स 15 इंच की अलॉय व्हील 195/55 की टायर दी हुई है, जिसकी चौड़ाई जो है वो 55 है और ऊंचाई 100 और जो विड्थ है मीन्स आप लंबाई कह सकते हैं वो आपकी 195 के साइज़ की है। तो आपकी जो ये गाड़ी है इसमें आपके सबसे ज़्यादा जो चेंजिंग की गई है, जिसके कारण कंपनी पैसा ले रही है, वो है आपकी इसकी अलॉय व्हील और इसके चौड़े टायर्स। सबसे पहले गाड़ी ने इस कंपनी के निर्माण के बारे में सोचा, तो इस कंपनी के निर्माण में उन्होंने अलॉय व्हील और टायरों को चौड़ा किया, पर जब ऊंची अलॉय व्हील आने के कारण 1 इंच ऊंची है ऑर्डिनरी फिगो से, इसमें 15 इंच का अलॉय व्हील दिया हुआ है, नॉर्मली फिगो में 14 इंच का देते हैं, तो ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा ऊंचा हो गया, जिसके कारण शायद फोर्ड की जो ये गाड़ी फिगो है इसकी परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी आई होगी, थोड़ा सा बैलेंसिंग में कमी आई होगी। इसीलिए कंपनी वालों ने इसके शॉकर जो दिए हुए हैं उन सस्पेंशन को, शॉकर को थोड़ा सा एडजस्ट किया, थोड़ा सा और ज़्यादा दबाया, जिससे इसकी ग्राउंड क्लियरेंस तो पहले ही आ गई, लेकिन स्टिफ होने के कारण इसकी सस्पेंशन आज भी किसी भी तरीके की स्पोर्ट गाड़ी चलाने वाले की परफॉर्मेंस ही देने लगे। मीन्स आप हर तरीके की, चाहे ऊबड़ खाबड़ रास्ते हों या आप बात करते हों किसी भी तरीके की सिंपल रोड्स पे, तो इस गाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ गई। पहले ही परफॉर्मेंस बढ़ गई इस गाड़ी की, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस ऑर्डिनरी फिगो से हो गई, पर थोड़ा सा इसका असर आपके माइलेज पे आया, इसके माइलेज पे असर आ गया, और ज़्यादा नहीं, बस 1 किलोमीटर, आधे किलोमीटर, 1 किलोमीटर का फ़र्क आ रहा है। और इस फोर्ड को मैं पिछले 10 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, और अगर हम बात करें इसके माइलेज की, तो उसकी इस गाड़ी की जो अभी माइलेज मेरे को मिल रही है, वो शहर की अगर हम बात करते हैं, तो शहर और मार्केट को ओवरऑल मिला करके 18 से 20 के आसपास आपको मिलती है। अगर आप शहर में चलते हैं तो गाड़ी आपको 16 से 18 एज़ पर ड्राइविंग कंडीशन, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक में हैं तो 16 से 18 बिना सर्विसिंग के अभी आपकी गाड़ी दे रही है, और अगर आप मार्केट में हाईवे पे चलते हैं तो 21-22 का माइलेज आपको बड़े प्रेम से ये गाड़ी दे रही है। लेकिन हम बात करते हैं और भी कुछ चेंजिंग की ऑर्डिनरी फिगो में, तो देखिए इसमें ये जो इसकी आगे हेडलैम्प दिए हुए हैं, ये थोड़ा सा स्मोक्ड ब्लैक हेडलैम्प्स हैं। नॉर्मली फिगो में जो इस हेडलैम्प्स आते हैं प्योर वाइट हेडलैम्प होते हैं, लेकिन इसमें स्मोक्ड ब्लैक हेडलैम्प दिया गया है, जिसमें थोड़ा सा ब्लैक काउस दिए हुए हैं, ब्लैक शेड्यूल दिया गया है, और साथ में जो इसकी ग्रिल है, ये ग्रिल और ऑर्डिनरी फिगो से चेंज की गई है। ऑर्डिनरी फिगो में एस्टन मार्टिन की बिल्कुल सीधे पैरलर ग्रिल दी गई है, जो एकदम सीधी साधी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बी होल्स होते हैं, जो एक बी नट होता है मधुमक्खियों के छत्ते जैसे, बिल्कुल उस तरीके की इसमें ग्रिल दी गई है। और फोर्ड की आगे एम्बेसिंग साइड में वही आपकी स्मोक्ड ब्लैक हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प वही हैं, ग्राउंड क्लियरेंस सेम मिलता जुलता ग्राउंड क्लियरेंस है 174 mm का, जो नॉर्मल गाड़ी की परफॉर्मेंस सेम देता है। और साथ में अगर आप बात करते हैं इसके ये राइट इंडिकेटर की ORVMs की, तो ये ORVMs भी ब्लैक कर दिए गए हैं, और साथ में साइड में आपको पीछे एस बैजिंग, और ऊपर जो इसकी छत है वो रेड के साथ में ब्लैक कलर आ रही है। मैं सारी गाड़ियों की जितने भी स्किन और कलर आ रहे थे उन सब के साथ में ब्लैक रूफ आ रही है, खाली बस जो इसकी और कलर साइज से ब्लैक गाड़ी है, तो ब्लैक कलर की अगर आप गाड़ी लेते हैं इसमें आपको वाइट छत मिलेगी, बाकी सारी गाड़ियों की जो छत होगी वो रूफ ब्लैक कलर का आ रहा है। इतना अंतर आपको आउटडोर पे मिलेगा, लेकिन अब अगर हम
बात करते हैं इतना अंतर, तो इतना अंतर कंपनी हमको भले ही दे रही है, पीछे से वैसे की वैसे ही, थोड़ी सी गंदी गाड़ी है, बिल्कुल वैसे की वैसे ही है जैसे नॉर्मल फीगो दिखती है, पर इसमें आपको थोड़ी सी इसकी अलाइविल चेंज होने के कारण इसकी परफॉर्मेंस आपको अच्छी अच्छी मिलेगी और देखने में इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है ऑर्डनरी फीगो से। क्योंकि नॉर्मल फीगो में क्या होता है, नॉर्मल फीगो में इसकी परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ी सी दूर से, परफॉर्मेंस भले बहुत अच्छी है लेकिन दूर से देखने पर इसकी अलाइविल थोड़ी हमें छोटी लगती है, लेकिन अंदर से देखने पर अब जब ये 15 इंच की अलाइविल हो गई है और ब्लैक अलाइविल दी गई है तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी हो गई है। अगर हम बात करते हैं इसके कुछ फीचर की, इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की, तो देखिए हमें ये मैंने इसका मीटर ऑन किया और ये इसका इग्निशन ऑन। इग्निशन ऑन होने पर आप देख सकते हैं गाड़ी मेरी 1496 मीन्स अप्रॉक्स 1500 किलोमीटर चल चुकी है। इसका स्टीरियो सिंपल जो स्टीरियो आता है वो आपका वही स्टीरियो दिया जा रहा है फोर्ड फीगो के साथ में, और इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है। ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वैसे तो ऑर्डनरी, अगर हम बात करते हैं किसी और कंपनी की, किसी और ब्रांड की गाड़ी की इस सेगमेंट में, तो सबसे तेज एसी की कूलिंग मुझे फोर्ड में लगी, और ये लोगों का मानना भी है कि जो सबसे अच्छी कूलिंग है वो फोर्ड की गाड़ियों में ही आपको मिलता है। और साथ में इसमें आपको एक फीचर मिल रहा है वो माईडॉक्ट का। ये माईडॉक्ट का फीचर है कि इसमें आप अपने फ़ोन को बिल्कुल ले जा करके ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर फोन रख देंगे तो आपका ये ऊपर से डॉक बंद हो जाएगा और आप अपने इस फोन को आप इस डॉक में बिल्कुल ऐसे एडजस्ट कर दीजिए जिससे आपका ये फ़ोन आगे नेविगेशन पे या एकदम कह सकते हैं ऊपर एक स्क्रीन का, अंदर स्क्रीन का काम करेगा। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस ये बताता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा थिएटर स्टाइल का मज़ा लेना हो, मान लीजिए आप कहीं वेट कर रहे हैं, गाड़ी पार्किंग में आपकी है, तो आप इस फ़ोन को इसमें ऐसे होल्ड कर सकते हैं, मीन्स आप इस डॉक में अपने फ़ोन को फंसा लीजिए और इसे कनेक्ट करिए आप ब्लूटूथ के जरिए अपने स्टीरियो से, और उसके बाद में आप अपनी कोई मूवी या कोई सॉन्ग, वीडियो सॉन्ग प्ले करेंगे। मैं आपको बताता हूँ आप इस चीज़ का बिल्कुल मज़ा ले सकते हैं और आपको ये लगेगा, वास्तविकता में बिल्कुल लगेगा कि आपको बिल्कुल ही थिएटर का मज़ा मिलेगा। जैसा लगेगा जैसे आप किसी थिएटर में बैठ करके एक थिएटर का अंदाज ले रहे हैं। साथ में इसमें जो दिया हुआ है फ्रंट फॉग लैंप्स के साथ में रियर फॉग लैंप और आपका ये मीटर, टैकोमीटर और स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज। बाकी इसकी लाइटिंग जैसे ऑर्डनरी फीगो में आती है, लाइटिंग स्विच हैं, इसके ORVMs हैं जो कि इनसाइड कंट्रोल्स हैं, मीन्स आप वन पुश से आप ये ओपन कर सकते हैं, वन पुश से आप इसे वन क्लोज कर सकते हैं, एडजस्टेबल के साथ एडजस्टेबल ओपन है इसमें। लेकिन कुछ कमी भी गाड़ी में है, मैं आपको और भी कुछ बताता हूँ। जैसे आप ये गाड़ी देखेंगे तो इसकी जो स्टेयरिंग व्हील्स आपको मिलेगी, इसमें स्टेयरिंग व्हील्स में आपको एक फ़ायदा ये मिलेगा फीगो की खाली एस वर्जन में, वो ये होगा कि इसकी जो ये आपकी स्टिचिंग है, ये स्टिचिंग आपको रेड के साथ मिलेगी और ये लेदर लगा हुआ है, मीन्स ये पूरी लेदर पे है। ऑर्डिनरी फीगो में प्लास्टिक की आती है, इसमें रेड स्टिचिंग की गई है। इसकी सीट्स होंगी तो इस सीट में देखेंगे आप तो ये रेड कलर का आपको स्टिचिंग मिलेगा और रेड कलर की स्टिचिंग आपको ब्लैक सीट्स पूरी स्पोर्टी लुक आपको देता है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको फीगो की एस में मिलेगा जो ये आपकी ब्लैक सीट्स और आपको ये रेड स्टिचिंग मिल रही है। बाकी इसमें कोई खास अंतर और इनसाइड केबिन में नहीं किया गया है। कुछ कमी मुझे भले ही इस गाड़ी में लगी है और वो कमी मुझे ऐसी लगी जो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। देखिए बीइंग जेन्युइन एक रिव्यू मैं कर रहा हूँ, तो मैं एक जेन्युइन रिव्यू करने के लिए मैं थोड़ा सा इसमें आपको बताना चाहूँगा कि पैसा गाड़ी का जो लग रहा है वो 832,000 से 840,000 के आसपास मार्केट में उपलब्ध है अलग अलग शहरों में। जो इसका मैंने परचेस किया वो 840,000 रुपये की है, और इसे 840,000 रुपये में अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के परफॉर्मेंस की, इस गाड़ी के यूज़ की, इस गाड़ी की इस फीचर की, तो गाड़ी में मैं आपको जानकारी के तौर पर बता दूँ इस गाड़ी में 1500 cc का 100 horsepower का इंजन दिया हुआ है 100 bhp जो कि 242 Nm का न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। मींस अगर आप इसे बात करते हैं तो कहने वाले रॉकेट एक का नाम एक इसे देते हैं कि इसकी डीजल गाड़ी है, डीजल वेरिएंट है, इसमें डीजल वेरिएंट जो आपको मिल रहा है वो बिल्कुल एक रॉकेट की तरीके से आपको परफॉर्मेंस देता है। आप इसे ये स्पेशली एक ड्राइवर्स कार है, आप अगर ड्राइविंग के शौकीन हैं, आप ड्राइविंग करना आपको अच्छा लगता है, ड्राइविंग प्लेजर आपको चाहिए, तो आप इस गाड़ी को बेस्ट ले सकते हैं क्योंकि इस गाड़ी में आपको स्पेशली ड्राइविंग का मजा मिलेगा। दूसरी जहाँ पर बात किया जाए आपके कुछ इसमें और फीचर की, तो इस ये चूंकि टाइटेनियम बेस पे इस गाड़ी में बनाया गया तो इसमें और कोई भी मॉडल उपलब्ध नहीं है। पहले फोर्ड का एक इस फीगो में इको स्पोर्ट में एक वर्जन आता था जिसका नाम था टाइटेनियम प्लस। वैसे
फीगो में टाइटेनियम प्लस, जिसमें ये आपके माई डॉक्ट की जगह पे आपको एक स्क्रीन दी जाती थी, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सिंक का ऑप्शन जो वॉइस कंट्रोल करता था, ये दो चीज़ें, और 6 एयरबैग्स दिए जाते थे। मीन्स माई की का फीचर था फोर्ड का जो बहुत फेमस था, जिसमें सेकेंडरी की से अगर आप मान लीजिए अपनी गाड़ी की सेटिंग कर देते थे तो गाड़ी की टॉप स्पीड लॉक की जा सकती थी, वॉल्यूम कंट्रोल जो जो यहाँ पे इंफोटेनमेंट का होता है उसको आप सेट कर सकते थे, ये सारी चीज़ें माई की से आपकी सेट हो जाती थी। वो फीचर अब वो मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया है, अभी मार्केट में वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन चूंकि टाइटेनियम बेस पे गाड़ी दी जा रही है तो इसमें कुछ चीज़ें अभी भी गाड़ी में कमी है जो मेरे हिसाब से इसमें होनी चाहिए थी इन द कंपेरिजन ऑफ अदर ब्रांड। इसमें एक स्क्रीन की कमी है, यहाँ पर आपको एक स्क्रीन छोटी सी देनी चाहिए, या फिर जो ये आपने बाजे में या फिर आपने जो मीटर में स्क्रीन दिया हुआ है या आपने बाजा दिया हुआ है, बेशक ये बहुत अच्छा बाजा है, बहुत ही अच्छा साउंड क्वालिटी देता है, लेकिन इसको शायद आप टच स्क्रीन बना देते, या न टच स्क्रीन बनाते तो आप इसे कीपैड वाला ही रखते, लेकिन स्क्रीन साइज थोड़ी सी इसकी बड़ी हो जाती तो ज़्यादा बेहतर इसमें रहता। गाड़ी में नेविगेशन की कमी है, हम भले इसे नेविगेशन अपने सेलफोन के द्वारा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें वॉइस कंट्रोल और नेविगेशन की थोड़ी सी आवश्यकता है। आप चाहते तो उसे आप 10-20 हज़ार रुपये और बढ़ा करके नेविगेशन का सिस्टम दे सकते थे। दूसरी सबसे बड़ी जो कमी मुझे इस गाड़ी में लगी, ये गाड़ी सबसे सेफेस्ट कार है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है आप देख सकते हैं बहुत ही सॉलिड बॉडी है। मीन्स आप किसी तरीके से ये नहीं पाएंगे कि गाड़ी में किसी भी तरीके से क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ किया गया, या आप देखेंगे तो आपको ये लगे कि नहीं गाड़ी हल्की के तौर पे बनाई गई है। गाड़ी बहुत ही सॉलिड गाड़ी है, और बाहर की बॉडी को भी मैं लास्ट में आपको थोड़ा सा प्रेस करके दिखाऊँगा। पर जहाँ तक मैं बात करता हूँ, इस गाड़ी में थोड़ी सी कुछ कमियाँ हैं, मैंने इसमें कुछ एसेसरीज अपने अपनी तरफ से लगवाई हुई, जैसे कि इसका ये यहाँ पर दिया जाने वाला ये रिवर्स पार्किंग कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर। इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरे की कमी थी, जो कि जैसे कि आप रिवर्स गियर डालते हैं तो रिवर्स गियर डालने पर आपको रिवर्स कैमरा एक्टिवेट हो जाता है, और ये आप देख सकते हैं रिवर्स कैमरा एक्टिवेट होने पर हमें पीछे की सारी चीज़ें दिख रही हैं। ये कैमरा गाड़ी में लगा लगाया नहीं आता है, लेकिन अगर आप रिकमेंड करें तो शायद आपको पीछे लगा करके ये कैमरा देंगे आपके फोर्ड वाले। देखिए यहाँ पे सेंसर भी लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें मैंने स्पेशल लगवाई हुई हैं, और ये चीज़ें एक बहुत ही नेसेसरी हैं आपकी गाड़ी के लिए, अगर आप अच्छी गाड़ी का प्लेजर चाहते हैं, ये गाड़ी की आवश्यकता। और इसमें अगर मैं बात करता हूँ इसकी परफॉर्मेंस की, वैसे देखिए आप इसकी स्पीड को सुन सकते हैं, 22 डिग्री पे तापमान दिया गया है, 22 डिग्री पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और कम कर देता हूँ तो इसका ये जो एसी है वो सबसे, मैंने जैसे कि बताया बहुत ही अच्छी एसी है, लो डिग्री पे है, 15.5 डिग्री पे इस गाड़ी का टेम्परेचर जाता है। ऑर्डनरी मारुति की अगर हम गाड़ी की बात करते हैं तो 18 डिग्री से नीचे उसका टेम्परेचर नहीं होता, वैसे हमें ज़्यादा आवश्यकता इसकी बिल्कुल भी नहीं है। हम थोड़ा सा इसको साइलेंट कर देते हैं, मैं इसे ये मैंने बंद कर दिया। अब मैं बात करता हूँ, थोड़ा सा आपको पीसफुल एनवायरनमेंट लगेगा। जहाँ तक मैंने बताया इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरे की आवश्यकता थी, जो कि कंपनी ने लगा के नहीं दिया। इसमें एक इंफोटेनमेंट होना चाहिए, जहाँ पे जिसकी स्क्रीन पे आप सारी चीज़ें ये कैमरे की जगह पे आप देख सकते हैं। वैसे ये चीज़ अगर उनको इसमें नहीं देना था तो ये सेंसर ऊपर जो आपको ऑटो डिमिंग ये पीछे जो मिरर दिया हुआ है, ऑटो डिमिंग मिरर में ही आप जैसे मैंने लगवाया हुआ आप इसमें कैमरा दे सकते थे। साथ में इसमें एक रिवर्स पार्किंग सेंसर की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि आज के ज़माने में पार्किंग की बड़ी दिक्कतें होती हैं, और उस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम रिवर्स पार्किंग कैमरे की हमें आवश्यकता होती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं, मैं आपको बता दूं लेगरूम की, तो लेगरूम एज इट इज वैसे की वैसा ही है, आपको जैसा नॉर्मली लेगरूम मिलता है फीगो में, बहुत ही स्पेसियस, बहुत ही अच्छी गाड़ी। इवन मेरी हाइट 6 फुट है, फिर भी मैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं इस गाड़ी में लगाई जाने वाली ये जो इसका प्लेट है, ये एलुमिनेटेड इसका प्लेट जो मैंने अलग से लगवाई है, रात में आपको एक अच्छा लुक देती है। ब्लू कलर की एलुमिनेट होती है फीगो की, ये डोर ओपन होने पर एलुमिनेट करती है। साथ में इस गाड़ी में मैंने लगवाया हुआ है एक एम्बिएंट लाइटिंग, जैसे आप देख सकते हैं ये एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पर ऐसे डोर के पास में लगी होती है, हर डोर के पास में एम्बिएंट लाइटिंग आपकी लगी हुई है, जो कलर की लाइट्स जलती हैं। आप इस कलर को चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि एम्बिएंट लाइटिंग आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन फोर्ड एम्बिएंट लाइटिंग के नाम से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके बाद में आप इसकी रेड, ब्लू, येलो, वाइट, ग्रीन, जिस कलर के भी चाहें आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये मैंने लगवाया हुआ है, लेकिन अगर ये शायद कंपनी लगा करके देती तो ज़्यादा अच्छा रहता। और आप अगर बात करते हैं थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ पर स्पेस की, तो देखिए ये ड्राइवर की सीट है, जितने पर गाड़ी ड्राइवर नॉर्मली यूज़ करता है, और हमने इसमें इतनी स्पेस मुझे मिल रही है जितना कि मैं, आप देख सकते हैं ये स्पेस सीट का है। मेरी हाइट लगभग 6 फुट की है, और अगर मैं इसे थोड़ा सा और पीछे करूँगा फिर भी सीट इतने पे आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ,
लेकिन अगर मान लीजिए कोई चलाने वाला फिर भी मुझे इतना स्पेस मिलता है, ये एकदम पीछे सीट है, मतलब इससे पीछे सीट नहीं होगी और फिर भी मुझे इतना स्पेस मिल रहा है कि मैं आराम से अपने पर आराम से हाँ मैं बात कर रहा था गाड़ी की डिजाइनिंग की, तो इसमें टोटल 11 बॉटल हैं, ताकि मान लीजिए अगर आप फर्दर कभी भी लॉन्ग टूर पे जाते हैं, पीछे तो इसमें बॉटल होल्डर नहीं है लेकिन आगे इसमें टोटल कुल मिला कि 3 राइट डोर में, 3 लेफ्ट डोर में, आगे आगे और बीच के सेंटर कंसोल को लेकर के 11 बॉटल होल्डर इसमें टोटल है। ये गाड़ी का टोटल लुक है। गाड़ी की सीट्स बहुत कंफर्टेबल है और जो इसकी डिजाइनिंग है ये आप पीछे से ही देख सकते हैं, इसकी डिजाइनिंग ऐसी है कि आप इसमें ये स्पेस देख रहे होंगे, ये स्पेस गाड़ी के बैठने वाले के कंफर्ट के लिए बनाया गया है, ऐसी प्रीमियम गाड़ियों में आपको ये मिलता है। अच्छा, इसका एक कुशन्ड सीट है। दूसरी जहां तक मैं इसकी कमी की बात, इस गाड़ी की एक कुछ कमियां और हैं, जैसे कि आज की गाड़ी की टेक्नोलॉजी में या आज की गाड़ी के स्पेसिफिकेशन में इसमें कुछ कमी दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन से, भले फोर्ड इन सब चीज़ों पे केयर नहीं करता क्योंकि क्वालिटी देने पे ज़्यादा विश्वास करता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल फोर्ड को ध्यान में देनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहला इंफोटेनमेंट सिस्टम कहा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, स्टीरियो माउंटेड ऑडियो कंट्रोल है, लेकिन इसने क्रूज कंट्रोल गाड़ी में नहीं दिया। ठीक है, हमें क्रूज कंट्रोल की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन कॉलिंग बटन और जो ये म्यूट बटन होती है स्टीरियो माउंटेड, ये चीज़ ये इसमें नहीं दिया हुआ है। सिर्फ आप जो इंफोटेनमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, नेक्स्ट वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, नेक्स्ट और प्रीवियस और मोड चेंजिंग के लिए, लेकिन वॉल्यूम शायद अगर कॉलिंग बटन होती तो इसमें गाड़ी में ज़्यादा बेहतर होता। दूसरी सबसे बड़ी जो मुझे इस गाड़ी में कमी लगी वो है अंदर से, अगर आप इसमें एम्बिएंट लाइटिंग या फिर इसका प्लेट नहीं लगाते हैं तो गाड़ी की जो अंदर से खूबसूरती है वो उतना ज़्यादा आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी, लेकिन लगाने के बाद में आपकी गाड़ी वाकई खूबसूरत लगती है। अगर आप कहीं आपके पास में हो तो आप इसे लगा करके टेस्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं रात का समय हुआ तो ये इस लाइटिंग कितनी खूबसूरत खूबसूरत लग सकती है, लगती है, ये देखिए। ये पीछे की इसका प्लेट है जो फ्रीगो जिस पे लिखा हुआ है, ये एम्बिएंट लाइटिंग का एक ग्लो है। हाँ, जहाँ पे मैं बात कर रहा था गाड़ी की मजबूती की, ये पूरा प्रेशर है गाड़ी के दबाने का, लेकिन आप इसकी मजबूती देख सकते हैं। और एक सबसे बड़ी बात कि गाड़ी का जो लॉकिंग सिस्टम है वो लॉकिंग आपको बस खाली इसी को ऐसे प्रेस करना है, जैसे आप इसको दबाएंगे आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी, और आपको अगर अनलॉक करना है तो हल्का सा इसे ऐसे खींचिए गाड़ी आपकी, और चार सेंट्रल लॉकिंग आपकी गाड़ी अनलॉक हो जाती है। ये फीचर आपकी गाड़ी में दिया हुआ है, आपकी जानकारी बता रहा हूँ कमी के तौर पर, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें कुछ गाड़ी में और कमी है, जैसे कि प्रोजेक्शन हेडलैम्प ना होना, प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं है आज के ज़माने में, मोस्टली गाड़ियों में प्रोजेक्टर हेडलैम्प का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि इस गाड़ी में नहीं है, तो एक बड़ा मेजर सेटबैक है गाड़ी के लिए। वैसे इसकी लाइट ठीक ठाक है, बहुत कोई खास लाइटिंग नहीं है, और मारुति के प्रोजेक्टर नहीं हो तो ठीक है, वैसे मैं अगर कंपैरिजन करता हूँ इग्निस से तो उसकी लाइटिंग बड़ी खूबसूरत है, वैसे ही ऐसे इसमें एलईडी लाइटिंग नहीं तो कम से कम प्रोजेक्टर लाइटिंग दी होते तो इस गाड़ी का जो आगे से एक लुक है वो बहुत अच्छा होता। वैसे भी गाड़ी की लुक अच्छा लगता है, पीछे से इतना कोई बड़ा मेजर इफेक्ट नहीं, लेकिन ये चीज़ें आज के दौर पर लोगों के द्वारा डिमांड की जाती हैं। गाड़ी का बाजार वैसे बहुत अच्छा है, मैं आपको इसका बूट बूट लॉक करके भी दिखा देता हूँ। ये गाड़ी का बूट स्पेस है जो कि 260 लीटर के आसपास है, 260-280 लीटर के आसपास है, और काफ़ी स्पेसियस है। आप इस ट्रे को चाहें तो बाहर एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रे आपकी निकल जाएगी तो आपकी गाड़ी का जो स्पेस है वो काफ़ी और ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आपको कोई बड़ा सामान लेकर के जाना है तो ये जो आपकी रियर सीट है आप इस पीछे बुक को जैसे प्रेस करेंगे ये आपकी पूरी सीट बेंड हो जाती है, और सीट को आप लेटा करके इस गाड़ी में फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, या वैसे कोई अगर आपकी चीज़ ज़्यादा बड़ी है तो आप इस स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। दो लोग हों, एक ड्राइवर और को ड्राइवर के साथ में आप इस स्पेस में काफ़ी कुछ सामान को लिए जा सकते हैं। अगर आप बात करते हैं इसके पीछे कि इतने पैसे में तो आपको फ्रीबोर्ड की एस्पायर मिल जाती तो आखिरकार मैंने एस्पायर क्यों नहीं दिया, मैं आपको इसका ऑप्शन बता दूँ, मैं आपको इसका एक ऑप्शन बता देता हूँ कि मेरा इस एस्पायर न लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि एस्पायर की जो पीछे का बूट स्पेस भले इससे 100 लीटर ज़्यादा है जो लगभग 350 से 360 लीटर का है, लेकिन इसका जो एक सबसे बड़ा मेजर सेटबैक ये है कि उसकी जो डिग्गी बूट ओपनिंग है वो बहुत ही छोटी है, मीन्स इतना स्पेसियस बूट ओपनिंग नहीं है, मुश्किल से जितना ये मिरर है इसका आधा इतना ऊंची, टोटल मुश्किल 3 से 4 फुट की ओपनिंग होगी, और 3 फुट की भी ओपनिंग नहीं होगी मेरे को लगता है, और इतनी ओपनिंग में
आप किसी बड़े सामान को नहीं डाल सकते, और पीछे की जो ये सीट है इस सीट को आप पीछे बेंड नहीं कर सकते। इसी वजह से आप अगर कोई ज़्यादा सामान ले जाना चाहें जैसे कि फ्रिज, तो आप अपने कार में नहीं कैरी कर सकते हैं इसके, और ये चीज़ आपको इसमें नहीं मिलेगा। दूसरी बात, फोर्ड की जो फिगो स्पोर्ट है वो भी वर्जन एस्पायर में उपलब्ध है, लेकिन एस्पायर में आपको ब्लैक अलॉय व्हील नहीं मिलेगी, आगे आपको स्मोक्ड ब्लैक हेडलैम्प शायद मिलते हैं, और ब्लैक जो रूफ होती है वो भी आपको नहीं मिलेंगे। बस आपको मिलेगा तो ये ORVM जो आपका ब्लैक होता है, और उसकी अलाइवल दूसरी थोड़ी सी अंतर है। साइड बैजिंग आपको फिगो एस के रूप में मिलेगी, और स्टिफ सस्पेंशन 15 इंच अलाइवल, मींस इंटरनली को उसको भले ही देख के जान जाए कि ये स्पोर्ट्स वर्जन है, बाहर से बहुत ही ध्यान से देखे अन्यथा कोई उसको नहीं पहचान सकता कि ये स्पोर्ट वर्जन है, लेकिन फिगो दूर से ही देखने में ये दूसरे फिगो के मॉडल से बिल्कुल ही अलग लगती है, और देखने में स्पोर्ट वर्जन इसका समझ में आता है। मेरे पास में इसके दो और भी कुछ कंपटीटर्स थे, जैसे कि सुजुकी की मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, जो कि अभी लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन इसका जो डिजायर वर्जन है वो लॉन्च हो चुका है, पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। उसका ZDI प्लस वर्जन 10,40,000 रुपये का है। फीचर भले ही ज़्यादा है, लेकिन गाड़ी की जो बॉडी है, जो स्टील है, बहुत ही हल्की कर दी गई है, और इसके साथ साथ ब्रांड आइटन है Hyundai की, आपके टाटा की टाइगोर है, साथ में आपकी और भी कुछ गाड़ियां हैं जो आपकी इसके कंपटीटर्स हैं, और पर जो फीगो का मजा है वो फोर्ड की गाड़ी अच्छा। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसकी जो वारंटी आपको मिलेगी वो 2 साल और 1,00,000 किलोमीटर की मिलेगी। मारुति में आपको सिर्फ 40,000 की मिलती है, 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी आपको चूंकि इस गाड़ी में मिलती है, तो 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी होने पर आप इसको अगर लॉन्ग टाइम पे यूज़ करेंगे तो आपको फायदा। पर आप अगर ये सोचते हैं कि मान लीजिए आप ज़्यादा नहीं चलते हैं, तो आपके पास में एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि आप वारंटी को एक्सटेंड करा सकते हैं। 7,000 के आसपास वारंटी का चार्ज है, जिससे आपकी 5 साल तक गाड़ी, आप हर साल 7,000 रुपये देकर के गाड़ी को 5 साल तक कवर कर सकते हैं, और 5 साल 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी चाहे तो आप गाड़ी लेने से नहीं करा लीजिए, या फिर आप धीरे धीरे करके हर 1 साल पे आप गाड़ी को एक्सटेंडेड वारंटी से करा सकते हैं। और फोर्ड का एक बहुत ही अच्छा इंश्योरेंस आया हुआ है, जो कि जीरो डेप तो नॉर्मली सारी गाड़ियों में आता है, लेकिन इसका न्यू इंडिया जीरो डेप इंश्योरेंस है, जिससे आप साल में 2 या 3 बार ही नहीं, जितनी बार चाहें उतनी बार जीरो डेप इंश्योरेंस आप ले सकते हैं। वैसे अंदर कंपनियों में 2 से 3 बार ही जीरो डेप इंश्योरेंस को लिया जा सकता है, उसका बेनिफिट लिया जा सकता है, लेकिन इस गाड़ी में फोर्ड के साथ में आप जीरो डेप इंश्योरेंस को कई बार, इवन 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो। ये फोर्ड के कुछ फीगो के फायदे हैं, कुछ फोर्ड की बेनिफिट जो मेरे हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर करना चाहा। मैं एक बार गाड़ी को आपको पूरा लुक दे देना चाहूँगा, मैं आपको थोड़ा सा एम्बिएंट लाइटिंग का फायदा दिखा देता हूँ। ये एम्बिएंट लाइटिंग का फायदा है, आप देख सकते हैं, ये नीचे का एलिमिनेटेड आप लुक देखिए, ये एम्बिएंट लाइटिंग का कारण है, एक एलिमिनेटेड लुक गाड़ी का। ये ड्राइवर्स फुटपैड के पास है, और ये पीछे का, ये एलिमिनेटेड लुक, और साथ में आपकी इसका प्लेट फोर्ड की फीगो ये एलिमिनेट करती हुई, ये गाड़ी का आपका फायदा है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आपको कोई बात मेरी समझ में ना आई हो, ये गाड़ी का ओवरऑल लुक जो कि खूबसूरत लगता है ब्लू लाइटिंग के साथ में, अगर आपको कोई बात मेरी समझ में ना आई हो, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हैं। साथ में कोई बात अगर ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके कमेंट ऑप्शन में बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं, अपनी जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको एक बार गाड़ी का आउटलुक दे देता हूँ, जिससे आप देख करके फिर आप देख लीजिए क्या क्या अंतर है। गाड़ी के फ्रंट हेडलैम्प्स जो पार्किंग लैम्प के साथ में है, जैसे आप डोर ओपन करेंगे तो पार्किंग लैम्प जलती है। ये गाड़ी का फ्रंट लुक है जो कि काफ़ी अच्छा है। ये साइड लुक, इसमें आप देख सकते हैं स्पोर्ट्स बैजिंग भी दी हुई है, और इसके ब्लैक एंड व्हाइट बैक लुक मैंने आपको दे ही दिया है। बाकी कोई अगर कोई बात हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं।